और इस सवाल को हम जितने भी मेथड है ना उन सभी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं, इसको नीचे करना बेटर है। नोटिंग वगैरह भी आपने कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा यूनिक, कई बच्चे किताब में से भी करते हैं, तो मैं पहले बता दूं किताब का फॉर्मेट और मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है। मैं थोड़ा एक दो डिटेल ना फालतू डाल देता हूं इसमें, डेट का, आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मैं पर्टिकुलर, फिर मैं लिखूंगा रिसीव, फिर मैं लिखूंगा इशूड, और लास्ट में क्या लिखें। और इसको ना एक नाम से जाना जाता है, एग्जाम में कई बार बोलते हैं क्वेश्चन लिफो फिफो से तो पहचान जाते हैं, स्टोर लेजर भी बोलते हैं। लेजर क्या होता है? बेसिकली रजिस्टर, जैसे आपका अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस रजिस्टर, ऐसे ही स्टॉक को जहां मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं स्टोर लेजर। तो इसके ऊपर जो लिखना है ना आपको स्टोर लेजर लिखना है। क्या चीज? लीफो फीफो। हाँ, एग्जाम में क्या आता है आपके क्वेश्चन तीनों मेथड भी दे देंगे, बोलेंगे तीनों से करके दिखाओ तो ज्यादा मार्क्स बढ़ा देंगे। एक मेथड भी आ सकता है, दोनों भी। हालांकि इसमें लीफो और फीफो बोला गया है तो आप इन पे ध्यान मत दो। मैंने कहा इसी सवाल को ना मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। सर इसके बाद सर तीन कॉलम, किस किस चीज के? सर तीन कॉलम होगा, एक क्वांटिटी, एक रेट एक टोटल का। सर इसमें क्या क्या लिखना है? क्वांटिटी किस रेट का आया और टोटल। क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल। क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है। हालांकि बुक के अंदर ना दो कॉलम नहीं देते वो, लेकिन मैं दो कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, उसमें कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। मेरे सबसे सिंपल सी बात है, डिटेलिंग के लिए कर रहा हूं। इसको जो बना रहे हैं ये कौन सा हमारा है? स्टोर लेजर। पहले मैं कौन सा मेथड कर लेता हूं? पहले मैं कर लेता हूं आपका लीफो फीफो कर लेते हैं। पहले फीफो कर लेते हैं, फिर लीफो कर लेते हैं। फर्क क्या पड़ता है? कोई भी मेथड करें हम एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा।
फीफो के अंदर देखा जाए तो डेट हमारे पास काफी सारे गिवन है, तो फीफो के अंदर क्या होता है सर? फीफो के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट इन यानी पुराने वाले सामान को पहले बेचेंगे, तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कहता है 1 जनवरी 2003 में, तो सर डेट है यहाँ पे 1 जनवरी, मैं सिर्फ 1 जनवरी लिख रहा हूँ, 3 वगैरह नहीं लिख रहा। और आपने क्या करा सर? रिसीव किया है, रिसीव किया है सर। कितने रिसीव करे हैं? कहता है 1000 यूनिट रुपए का, यानी 1000 क्वांटिटी 1 रुपए के हिसाब से तो आपने सामान रिसीव किया सर। जब 1000 करा सेल्स तो हुआ नहीं, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा सर? 1000 ही बचा है, और 1 रुपए का ही कितने बचे हमारे पास? 1000 बनाए। बड़ी सीधी सी बात है। इसके बाद मैं यहां पे फिर से जनवरी 10 में फिर से रिसीव किया 226, 10 जैन को, 10 जैन को फिर से रिसीव किया सर। कितने रिसीव किए हमने? 260, मैंने 226 बोल दिया था, 260। कितने रुपए वाला? 1 रुपए 1.05, 1 रुपए 5 पैसे। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कितने आ रहे हैं? 273। नाउ 273 के बाद अब देखते हैं क्या सर सेल हुआ। इस डेट पे तो कोई सेलिंग नहीं है, तो इसे डैश लिख रहा हूं। अब हमारे पास दो प्रकार के स्टॉक आ गए, ये पुराने वाला तो है ही है सर, ये तो है ही है 1000, और एक और खरीद लिया 260, और ये आ गया 1 रुपए 05 के हिसाब से, और टोटल आ गया 273 का, टोटल आ गया 273 का। अगले पे चलते हैं सर। तीसरा, 20 जनवरी को इसने क्या करा है सर? इशू कर दिया है। 20 जनवरी को क्या करा है? इशू कर दिया है। तो 20 जनवरी को इसने करा इशू, तो सर इशू में ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने क्या करा है? बेचा है। अब बेचा है तो इशू वाले में चले जाएंगे। अब मैं बेचना वर्ड जरूर इस्तेमाल करता हूं ताकि समझ आए, बाकी हम बेच नहीं रहे, हम शोरूम में भेज रहे हैं सिर्फ। कितने इशू किए? 700 यूनिट किए हैं। तो भैया समस्या ये है, हम मेथड कर रहे हैं फीफो, तो पहले 1000 में से निकाले या 260 में से निकाले? तो जवाब है 1000 में से, तो 1000 वाले में से निकालेंगे, और 1 रुपए वाला 1000 ही मैंने लिख दिया है। यहां कितने बेचने हैं? 700, तो मैंने यहां लिखूंगा 700, और 1 रुपए वाला है दैट इज आपका 700 हो जाएगा। और अब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा सर? इसमें से तो चले गए 700, तो यहां बचा हमारा 300, 1 रुपए वाला यानी 300। और ये 260 को तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, बेचा ही नहीं है। चलिए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 21 जैन। 21 जैन को क्या करा है सर? फिर से हमने 21 जैन को खरीदारी कर ली है। 21 जैन को मैंने खरीदारी करी है 400 यूनिट, तो 21 जैन मैंने रिसीव कर लिया कितने यूनिट सर? 400 यूनिट रिसीव कर लिया। 400 यूनिट कितने रुपए वाला था? रेट बताना है। अब रेट था हमारा 1 रुपए 15 पैसे, कितने का होगा? 460। नाउ इशू वाला कॉलम रह जाएगा खाली। अब तीन तरीके के वैरायटी हो गए मेरे पास, 300 और 400, ये रुपए वाला है 300, ये 1 रुपए 50 पैसे 5 पैसे वाला, ये हो गया 460 रुपए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे जरूर कर दूंगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं होगा, मैं ऊपर कर दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं।
चलिए अगला पॉइंट क्या है सर? अगला हमारा 22 को फिर से रिसीव हो गया, ये लो कितना रिसीव करेंगे, ये 22 जैन को रिसीव हुआ, 22 जैन को जो रिसीव हुआ ना वो रिसीव हुआ 300 यूनिट, और रुपए क्या भाव का था ये? 1 रुपए, तो कितने हो गए? 375। अब मैं बात करूं ना अमाउंट वगैरह की, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूं थोड़ा, यहां तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक देखना है आपने, है ना? तो अगर हम बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस के केस में हमारे पास चार तरीके के वैरायटी हो गए, 300, 260, 400। ये तो पुराना है, एक 1 रुपए 15 पैसे, सॉरी 1 रुपए 5 पैसे, 0.5 और 1 रुपए 15 पैसे। इसके बाद एक और वैरायटी आ गया सर 300 यूनिट, कितने वाला? 1 पॉइंट, ये आ गया 300, 273, 460, 375, 375। अब आगे क्या कहता है? 22 जैन के बाद 23 जैन को कहता है इशू 620 यूनिट। 23 जैन को क्या कर दिया? इशू कर दिए सर, कितने कर दिए? 620। तो यहां तो ब्लैंक रह जाएगा। अब 620 करें, मेथड चल रहा है फीफो, तो पहले तो भैया ये वाला बेचो, तो 300 ये वाला बिकेगा रुपए वाला। अब भैया यहां पे हमें टोटल कितने बेचने? बेचने टोटल हमें 600, तो अभी और चाहिए 320, तो 260 ये भी बेचो। अब ऐसा नहीं कि 300 यहां से उठा लेंगे, हमें सीक्वेंस से ही चलना होगा, 1 रुपए 5 पैसे। अब और भी चाहिए हमें, और कितने चाहिए सर? 60 यूनिट और चाहिए, 60। अब 60 ये भी निकल गया, अब इसमें से लेंगे तो कितने रुपए? 1 रुपीज 15 पैसे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से कर रखा है 273, और इसको करेंगे तो हम क्या आएगा? 69। अब बैलेंस की बात करते हैं, भैया ये तो बचा नहीं, ये तो बचा नहीं, ये बचा है, लेकिन इसमें से भी 60 बेच चुके हैं, तो बचा कितने? 340, कितने वाला? 1 रुपए 15 पैसा, ये पूरा ऐसे ही बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 और ये वाला आ जाएगा 375। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, अभी काफी क्वेश्चन करेंगे हालांकि हम, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कैसे होगा। इसके बाद फिर बेच दिया 24 तारीख को, यानी सर 24 को फिर से इसने इशू किए, और कितने यूनिट इशू किए इसने सर? अब 240 भैया यहीं से आ जाएगा, 240 कितने रुपए वाला? 1.15, कितने बनते हैं? 276, 276। यहां बचा कितना? 100, कितने रुपए वाला? 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, ये 300 भी तो बच रहा है, 1.25, दैट इज 375। चलिए सर इसको थोड़ा सा साइज कम कर दें, चलिए
अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब कहता है भैया फिर से इसने रिसीव कर लिया, तो रिसीव जब किया इसने, कब किया रिसीव? 25 तारीख को। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, रिसीव किया हमने कब? 25 को। सर कितने रुपए का रिसीव किया? 500 यूनिट। क्या रेट का था? 1 रुपए 10 पैसे। कितने का पड़ गया? 550 का। अब देखा जाए बैलेंस में पहले से ही हमारे पास दो वैरायटी था, अब एक तीसरा रेट वाला भी आ गया, 1.25। कितने वाला आ गया? ये उठ के आ जाएगा 500 वाला, दैट इज 1.10। ऊपर आ जाएगा 115 और ये आ जाएगा 550। चलिए सर, अब जैन को 26 को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने क्या करा? इशू कर दिया। खड़े हो जाओ वहां से, यहां जाओ। हाँ जी जल्दी आ जाओ। 26 जैन को इसने इशू कर दिया। सर जब इशू किया इसने तो कितने यूनिट इशू करा? 380। 380 में तो पहले 100 ये जाएंगे, अब 280 चाहिए तो इसी में से 280 लेंगे, यानी 1.15, 115। सर 280 वाला देखा जाए तो 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ रहे हैं? 350। अब यहां पे 300 में से 280 गए तो बच गए थे 1.25 वाले, और 500 आपके बच गए 1.10। तो सर 550 और इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या बनता है? 25 रुपए। आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा नंबर 1, भैया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताना है? वैल्यू। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? इसका टोटल कर लो। टोटल करोगे तो क्या आएगा सर? 575। 575 रुपये टोटल आ गया, तो आंसर 575। तो या आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछे, आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या बोला जाएगा कि हमने कुछ खर्चे किए हैं, एक्सपेंस किए हैं डायरेक्ट, मान लेते हैं 2000 रुपये या 200 रुपए का। आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपने कितने रुपए का सामान बेचा है, ये सवाल पूछा गया आपसे। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पता है क्या करना होगा आपको? बड़ी सीधी सी बात है, ये वाला कॉलम इशू का टोटल है, ये वाला जो टोटल है इशू का, तो आप शुरू से एंड तक जितना भी आपने इशू किया, मैं इसको हटा देता हूं, आपको दिखा देता हूं, ये इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, एक मिनट मैं इसको मिटा भी दूं। अगर मैं इसको मिटाऊं तो पीछे का भी मिट गया क्या? ओके चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे टोटल किसका करेंगे हम? इशू वाले का टोटल कर लेंगे। करिए कितना बनता है? टू जीरो, 2083 बना, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो COGS इज इक्वल टू आपका 2083 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सर, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है? 200 का। तो इसका आ गया 2283 रुपए। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ, यानी प्लस कर देंगे जितने का सामान था और जितना खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया? COGS। अगर सवाल में देखा जाए, पूछा जाए कि आपने टोटल यूनिट कितना बेचा है ये बताओ, टोटल यूनिट कितना इशू किया है, तो आपसे अगर मैं पूछूं टोटल यूनिट बताओ इशू का,
सवाल पूछ लूं मैं, टोटल यूनिट तो बड़ी सीधी सी बात है, इशू वाले टोटल क्वांटिटी में जाएंगे 1900। हाँ किधर, सही तो कर रहे हैं। हाँ तो इशू का ही तो पूछ रहे हैं। हाँ टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, ये लिखा हुआ है देखो, टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, तो जवाब है सर 1940, 1940। अगला सवाल पूछा, अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेच दें तो प्रॉफिट बताइए कितना होगा। अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेचें तो प्रॉफिट बताइए, तो 2 के हिसाब से अगर बेचते हैं तो सेल्स का वैल्यू क्या आएगा सर, 1940 इंटू में 2 यानी 3880, और आपका खर्चा कितना हो रहा था 2283। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या कुछ भी बोल दो। तो ये तो मैं अलग से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर ऐसा एक पॉइंट डाल सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है यार, हमने तो लीफो फीफो सीखा, एग्जामिनर तो जीपी पूछ रहा है बेच के। तो सिंपल सी बात, आपको क्वांटिटी टोटल करना है और उसके हिसाब से बता दोगे। यहाँ पे जो है आपका पूरा सिंपल सा एक फॉर्मेट किया, ये किससे किया हमने, फीफो से। इसमें किसी को डाउट है अभी तक तो बताओ, फिर हम इसी सवाल को, सेम सवाल को लीफो से करेंगे, फिर सेम सवाल को वेटेड एवरेज से भी करने वाले हैं। पहले इसमें किसी को डाउट, इसमें कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, देखिए। जी बताइए सर, डायरेक्ट एक्सपेंस 200 कहाँ से आया? ओहो, ये मैंने अपने मान लिया था, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे ना, ये मैंने माने हैं, सवाल के पार्ट नहीं था, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। सीओजीएस प्लीज रिपीट, सीओजीएस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट कितने का पड़ा, हम आगे पढ़ने वाले हैं सीओजीएस, तो कॉस्ट कितने का पड़ा सर। सिंपल सी बात है, एक तो कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सीओजीएस का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट और प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, उसे क्या बोलते हैं हम, सीओजीएस बोलते हैं एक तरीके से। तो बस जो भी आपका कॉस्ट होगा उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो सीओजीएस। हालांकि सीओजीएस का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं कुछ ओपनिंग और कुछ क्लोजिंग, तो फाइनली हमारा टोटल करके ये निकाल सकते हैं। चलिए इसी सवाल को नोटिंग एक बार ही कर लेना, ठीक है, इसी सवाल को किससे करके ट्राई करते हैं एक बार। आप भी फॉर्मेट बनाइए और मेरे साथ साथ करिएगा, मैं भी देखो मैं चाहूं तो कॉपी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहां पे करके दिखाऊंगा ताकि आप भी फॉर्मेट बनाएं।
आप भी एक बार फॉर्मेट बनाइए साथ के साथ। इसको स्केल से बनाना। COS बात एक ही, आपने आधा लिखा है, COS कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है वो, और सेम बात होती है, ज्यादा फर्क नहीं रहता हमारा इसमें। कभी डिटेल में करेंगे इस पे डिस्कस। भाई जल्दी जल्दी बनाइए, मेरा फॉर्मेट बनने वाला है। ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका रजिस्टर जरूर चेक करूंगा आज, फिर भेजूंगा घर। पहले हमने किया था फीफो, अब कर रहे हैं लीफो, ठीक है ना। पहले फीफो कर लिया था, अब लीफो करते हैं। चलिए कर लिया फॉर्मेट तैयार। अब देखिए पहला पॉइंट कहता है एक जेन को रिसीव किया कहानी। एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस भी कह सकता है, 1 जनवरी को हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैलेंस पड़ा रहेगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा, सिर्फ बैलेंस वाले कॉलम में हम लिख लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं से स्टार्ट होगा, कई बार सवाल में ऊपर कह सकता है बैलेंस है, तो बैलेंस वाला हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग एक डेट को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंस BD, और ये सारा हमारा ब्लैंक रहेगा, बस बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए रिसीव 1 जैन 2003, तो 1 जैन, फिर से हमने रिसीव, सर कितने क्वांटिटी, 1000, 1 रुपए वाला, 1000 बचा, सर इशू में कुछ नहीं होगा, 1000, 1 रुपए यानी 1000।
जैन 10 को भी रिसीव किया है हमने, जैन 10 को रिसीव सर कितने रुपए का रिसीव किया, 260 यूनिट 1 रुपए 5 पैसे 273, ये हाइफन रह जाएगा। अब दो तरीके के समान हो गए हमारे पास सर, कुछ फर्क तो है ही नहीं, पहले जैसा ही है, अभी फर्क दिखेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैन 20 को इशू कर दिया, 20 जैन को इशू कर दिया सर, जो 20 जैन को हमने इशू किया है ना, कितने यूनिट इशू किए हैं, 700, तो ये खाली रह जाएगा, 700 इशू किया। मेथड ऑफ लीफो, लीफो का मतलब जो सबसे लास्ट में आया है, सबसे लास्ट में आया है का मतलब नए वाला। तो आपके सामने दो तरीके के स्टॉक है, एक पुराने वाला एक नए वाला, तो हमें कितने यूनिट इशू करने हैं सर, 700। तो अगर हमें 700 करने हैं तो 700 में से पहले नए वाला निकालो सर, तो नए वाला कितना निकलेगा, 260 और रुपए 105 273, और बाकी और कितने करने हैं 700 में, 340, 440 क्यों, अच्छा 440, तो अब करने हमें 440, दैट इज 1 रुपए वाला, ये आ गया 440। अब हम देखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस ये वाला थोड़ी बचेगा, ये तो बिक गया यानी निकल गया, इसी में से बचा होगा हमारा कितने, 560, और ये 1 रुपए वाला है 560। मैं फर्क भी दिखाता जाऊंगा कि आप देखेंगे पहली दो एंट्री में यहां भी सेम था, लेकिन जब हमने ये वाला इशू किया था तो यहाँ पे दो तरीके के वैरायटी बचे थे और दोनों का अमाउंट भी अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का वैरायटी हमारे पास बचा हुआ है। तो मेजर डिफरेंस जो आता है ना, जो मेथड चेंज होता है, वो लीफो और फीफो चाहे वेटेड हो, वो आपको रिसीव में कभी भी नहीं दिखेगा, हमेशा दिखेगा कहाँ पे इसका इम्पैक्ट, इशू प्राइस के अंदर, ठीक है ना, इसका प्राइस का इम्पैक्ट दिखेगा इशू में। चलिए सर अगले डेट पे आ जाते हैं, फिर से 21 जनवरी को रिसीव किया, 21 जैन को आपने रिसीव किया, कितने रिसीव किए हैं, 400 यूनिट, कितने रुपए वाला, 1.15, कितने हो गए 460, कितने हो गए 460 सर, ये तो ब्लैंक रह गया। अब मेरे पास दो वैरायटी हो गए, एक 560 1 रुपए वाला, एक 400 1.15 वाला, इसका कीमत हो गया 560, इसका कीमत हो गया 460। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि यहां कोई जरूरत है नहीं, हालांकि इसको मैं ऊपर कर देता हूं, चलिए हमने कहाँ तक कर लिया सर, 21 तारीख तक, 22 तारीख को भी रिसीव किया है हमने सर, 22 तारीख को जो रिसीव किया है, जैन कितने रिसीव किए हैं सर, रिसीव किया है हमने 300 यूनिट, कितने रुपए वाला, 1.25, कितने रुपए का, 375। अब हमारे पास तीन तरीके के वैरायटी, 560 400 300, 1 रुपए 1 रुपए 15 पैसे 1 रुपए 25 पैसे, तो 375 रुपए का, 460 रुपए का और 560 रुपए का। जिसको दिक्कत हो ना रोक लेना यहाँ पे कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो फिर तो आगे बढ़ने के बाद फिर यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत,
अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। अब इशू किया है, अब फर्क दिखना चालू हो जाएगा। इशू जो हमने किया है कब किया है सर? ये किया है जैन 23, तो 23 जैन को इशू किया है। कितने यूनिट किए हैं सर इशू? आप देखिए ये 620 यूनिट। तो अगर हमने 620 यूनिट इशू किए हुए हैं तो उस सिचुएशन में ये तो रह गया ब्लैंक, नहीं? हाँ, अब इशू वाले में आ जाते हैं। तो हमें कौन सा पहले बेचना है? पहले 300, क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है? लीफो। तो पहले नए वाला बेचो, 300 वाला, 1.25 गया। करना 620 है, अब 400 में से बेचो 320, कितने वाला? 1. तो ये तो 375 हो गया, ये कितने हो गए बताओ? 368। बैलेंस जो बचा ये तो बचा ही नहीं, 400 पहले हमारा 560 तो पड़ा हुआ ही है, 1 रुपये, और 400 में से भी 320 चला गया तो 80 पड़ा हुआ है, 1 रुपये 15 पैसे। तो ये 560 और ये कितना हो गया? 92। तेईस तारीख के बाद 24 को 240 और इशू कर दिए, 24 जैन को 240 और इशू कर दिए हमने सर। जो 240 इशू किए हैं हमने, तो अब हमारे पास दो तरीके के स्टॉक हैं। अब पहले तो 80 ये निकालो, 1 रुपये 15 पैसे। 240 में और कितने चाहिए सर हमें? 60 चाहिए, 160 ऊपर वाले में से निकाल लो, रुपए वाले में से। तो 160 और ये हो गया 92। अब यहाँ पे जो बचे हैं ना मेरे पास 400 यूनिट, वो सिर्फ एक वाला बचा है हमारे पास 400 रुपये का। अब इसके बाद फिर हमने रिसीव किए कितने? 500 यूनिट हमने रिसीव कर लिए, 500 यूनिट। थोड़ा रिसीव कर लिए 500 यूनिट, रिसीव कब किए हमने? 25 को। सर कितने यूनिट, कितने रुपए वाला, कितने रुपए हो गए? ये तो खाली हो गया। अब हमारे पास दो प्रकार के वैरायटी हैं और एक है हमारे पास 500, 1 रुपए 10 पैसे, यानी सर 400 रुपए का सामान और 550 रुपए का सामान। अगला आ जाता है 26 जनवरी को। 26 जैन को आपने क्या कर दिए सर? 26 जैन को आपने इशू कर दिए हैं। 26 जैन को क्या इशू किए हैं सर? एक तो आपने ये किया है, 500 कर दिया, कितने इशू किए आपने? 200, नहीं सॉरी 300, तो इसी में से निकल जाएंगे, 1 रुपए 10 पैसे, कितने बनते हैं? 400। अरे मैंने गलत जगह ले लिया, हाँ 380, 380। अब जो मेरे पास बचा है 400 पुराने वाला, 1 रुपए के हिसाब से 400, और 500 में से 380 चले गए तो 120, 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, ये भी एक स्टेप पीछे चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। ये कितना हो गया? 132। अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए, तो कितना बनेगा? 532, जो सवाल पूछा गया। पिछले सवाल में देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, इस वाले में कितने का है? तो आपका मेथड बदलने से यूनिट भी देखिए। चलिए पिछले बार यूनिट कितने थे, यूनिट कितने थे, इस बार यूनिट कितने हैं? तो यूनिट में थोड़ी फर्क होगा, पहले भी यूनिट इतने ही थे, अब भी यूनिट, लेकिन प्राइस में फर्क हो जाता है, क्योंकि हमने जो बेचा ना, वो बेचने का स्ट्रेटेजी क्या था हमारा? अलग था। क्या यहाँ पे सीओजीएस सेम रहेगा? नहीं,
अगर मैं आपको पूछूं कि कितने यूनिट कितने का बेचा है, बताइए आप कितने यूनिट इशू हुए टोटल, तो यूनिट तो सेम रहने वाला है, लेकिन आपका जो ये टोटल करोगे ना, जो यूनिट वाले कॉलम का, वो क्या आएगा, कंप्लीटली अलग आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको, डिफरेंशिएट क्या है? तो चलिए आपके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। किसी को डाउट इस सवाल में बताइए। दो मेथड हमने कर लिए, ये लाइन और नीचे खींच देते हैं जिसको दिक्कत होगी। दो मेथड कर लिए हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं डाउट किसी को? सारा समझ में आ रहा है? हमने लीफो का भी देख लिया और फीफो का भी देख लिया। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, वेटेज का। वेटेज के अंदर क्या फर्क रहेगा अभी हमें पता चल जाएगा। वेटेड एवरेज लास्ट मेथड है हमारा, वेटेड एवरेज। फिर इसके अंदर शॉर्टेज वगैरह, या फिर आपका सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, प्री ओडिक, सारा आज हमें से आज खत्म ही करना है इसको कैसे भी करके, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक देखो ना, तो अगर मैं बताऊं ना, तो मुझे सिर्फ फॉर्मेट बनाने में और एक एक चीज करने में टाइम लगा है। बाकी लर्निंग वाला ना, इसमें 15 मिनट का काम था कि भैया एक बार समझ में आए, फिर हम फटाफट उसको क्या कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए वेटेज वाले की बात करेंगे अब। चलिए एक बार और फॉर्मेट बनाइए। नोटिंग आपको पीडीएफ मिलेगा आज सारे बच्चों को। फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूँ ना, बनाइए, ये देखूंगा मैं। कुछ बच्चे सेमेस्टर फोर में कहते हैं कि सर ये तो पहले करा था हमने सेमेस्टर वन में, क्या सेम वही है ये? तो मैं कहता हूं जी बिल्कुल सेम वही है, बस इसका एक सेकंड पार्ट है, वो एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब वो तो टॉपिक ही अलग हो जाता है।
बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाला है। अब करेंगे वेटेड एवरेज से। अब जो करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज। कहानी वही, सवाल वही। अब वेटेड एवरेज में देखना क्या होगा, लीफो और फीफो से बिल्कुल अलग होता है हमारा वेटेड एवरेज। जैन वन में हमने रिसीव किए 1000 यूनिट, फर्स्ट जैन को हमने रिसीव किए 1000 यूनिट और बैलेंस में भी बचा 1000 यूनिट, बैलेंस में भी आएगा। फिर से हमने जैन 10 में खरीदा, हमने 260 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 10 जैन को फिर से रिसीव 260 यूनिट, 1 रुपीज 05, 273। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फर्क यहां आएगा। अब हमें एवरेज करना है, यानी ना तो लीफो चलेगा ना तो फीफो चलेगा। लीफो फीफो में हम हर स्टॉक को अलग अलग इसलिए लिख के चलते थे क्योंकि हमें प्राइसिंग ये देखना था कि पुराने वाले को पहले बेचना है या फिर नए वाले को बाद में बेचना है, ऐसे करके चलते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया, जो एवरेज प्राइस आएगा बेच दो। तो सबसे पहले जो अब यूनिट होने वाला है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, 1000 और 260, तो पहली बात तो 1260, यानी यहाँ पे ये नहीं पता चलने वाला कि कौन सा यूनिट कितने रुपए में खरीदा गया था। ऑल्दो आप यहाँ से तो पता कर सकते हो लेकिन इस बैलेंस से नहीं पता चलेगा। लेकिन पिछले वाले सवाल में देखो तो बैलेंस से एक और ईच एंड एवरीथिंग पता चलता था, ये इतने का खरीदा गया, ये इतने का खरीदा गया, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा, मिक्स हो गया। और अब क्या होगा, पहले हमारे 273 थे, अब हमारे 1000 हैं, तो पहले 273 और 1000, तो ये हो जाएगा 1273, यानी जिस तरीके से यूनिट जुड़ा है वैसे ही प्राइस भी जुड़ जाएगा। पहली बात, यानी यूनिट को भी जोड़ेंगे और प्राइस को भी जोड़ेंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे सर इन दोनों के बीच में। डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, यानी 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से, 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से, तो एक यूनिक रेट हमें पता चलेगा सर। और रेट क्या पता चला हमें, 1.01, ये रेट आया हमारे पास निकल के। पहले देखो, अब ये रेट ना इशू में आपको रिसीव में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना तो 1 है और यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 1.0। मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा सेम आ जाएगा। हाँ मैं कहूंगा अगर आप शायद मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ का फर्क आ सकता है, रीजन बीइंग के फ्रिक्शन वाले पॉइंट को हमने छोड़ दिया, तो उसकी टेंशन मत लेना सर, गुणा करने पे तो आ ही नहीं रहा, 2, 4, 5 रुपए का फर्क रहेगा, वो ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डिफरेंस आपको दिख गया। फिर से हमने क्या खरीदा, अरे इशू कर दिया, फिर से हमने क्या करा, इशू कर दिया। जैसे ही हमने इशू किया, अब देखिएगा इशू में कब करा सर इशू हमने, 20 तारीख को, 20 जैन को। सर इशू कितने यूनिट किए हैं, सर यूनिट मैंने 700। अब देखो टेंशन ही नहीं है सर, 700 लिखा और रेट 1.01 लिख, ध्यान दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है, 760, 707, 707। पहले यहां देखिए, लीफो और फीफो इंपैक्टेड होता है इशू वाले कॉलम में, एवरेज इंपैक्टेड होता है बैलेंस वाले कॉलम में। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको सर। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस में 700 में से निकल गया तो सीधा क्या लिखोगे, 560,
60, कितने वाला 1.01। अब मैं ये नहीं कहूंगा इसको मल्टीप्लाई करो, फिर मिसमैच हो जाएगा। आप इन दोनों को डिफरेंस लो, कितने आएंगे, 1273 माइनस 707, 566 का आएगा। ऑल दो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद दे बताना, 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई एक से पांच, दस दस रुपए तक का डिफरेंस इसमें वैलिड है, आएगा इसमें डिफरेंस आपका कई बार। चलिए अगले पॉइंट पे चले। जैन 21 रिसीव 400 यूनिट, अब फिर से रिसीव कर लिया 21 जैन को, जब आपने रिसीव कर लिया 400 यूनिट, कितने वाला 0.15, यानी अब देखो बदलाव यहां फिर बदल जाएगा सर, 560 और 400 सीधा आएगा आपका 900, अब रेट को भी जोड़ेंगे हम, 566 और 460 कितने होंगे, 566 और 460 प्लस करके बताइए 1026। अब नया रेट आपको बताना है, कैसे बनाओगे रेट, इस 1026 को डिवाइड कर दोगे 960 से, कित क्या आ रहा है रेट हमारा 1.06। सिर्फ 7 ले सकते हो, मैंने कहा पॉइंट का फर्क चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बाईस में रिसीव, अगेन रिसीव्ड हुए कितने, कितने रुपए का, अब बैलेंस बताइए। मैं बैलेंस नहीं बताऊंगा आपको, बैलेंस का रेट मैं सभी से पूछना चाहूंगा, जितने बच्चे भी लाइव में हैं, जितने भी बच्चे लाइव में हैं सभी बताएंगे बैलेंस का रेट क्या है, और ऑफलाइन जो बैठे हैं वो भी बताएं बैलेंस का रेट क्या है। वन पॉइंट, एक आंसर आया 1.22, 1.11, देखते हैं और बच्चों का क्या रहता है, 1.11, भाई 1.1 तो लाइन लग गई बच्चों की, 1.11 सभी बच्चे 1.11 वाले हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा सर, 960 और 300, 1260, 375 और 1026, 1401 डिवाइड करेंगे तो सर ये सवाल बिल्कुल, जिसने भी 1.11 बोला उसका आंसर, जिसका आया भी ठीक है उनका आंसर। चलिए इसको ऊपर कर दे, अरे ये लीजिए, देखिए यहां देखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया, सिर्फ सवाल ही तो देखना, इसे ऊपर लेयर पे ले आए, टॉप लेयर पे, बात खत्म। यानी मुझे ना कई बार ना ये वाला आसान भी लगता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर छीन लिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी इस वाले में, ठीक है ना। पहले वाला लीफो फीफो तो चलेगा, लेकिन इस वाले में कैलकुलेटर ले लेना तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हर बार हमें रेट निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है, वो दिक्कत रहेगा। चलिए सर हम आ गए जैन 22 के बाद, जैन 23 की बात करते हैं। जैन 23 में इशू किए 600 यूनिट, ये बड़ा मजा आता है इसमें इशू करने में, इशू किए बड़ा मजा, कितने किए कुछ सोचना ही नहीं है, 620 लास्ट वाला रेट उठा के फटाफट, कितने आएंगे 688 लिख देते, 0.2 हटाते हैं। अब बैलेंस निकालने में इसमें थोड़ा सा है, 1260 में से 620 माइनस करेंगे, 1260 में से 620, क्योंकि ये भी क्वांटिटी है, 640, 1.11 इसके डिफरेंस लेके कर लेंगे,
ये वाला और 1401 के बीच का डिफरेंस, 712। देखो इसका नाम जब आता है ना, 13, चलो 12 कर दिया, 13 आएगा। चलो फिर से इशू सर, फिर से इशू। इशू के अंदर तो मजा ही कुछ और है। अब कितने इशू करे, 240, 1.11 बताइए, 266 बचे कितने, माइनस कर दो, चार सौ चौवालीस बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताइए, 47, 3 रुपए का फर्क आ रहा है। सर अगला 25 तारीख क्या करा है, रिसीव, रिसीव वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 501.1, 550। बैलेंस को निकालते हैं सर, बैलेंस निकालते हैं, 400 और 500 तो 900, और 550 और 447 कितने होंगे, 97, 9937 रेट आपको निकालना है। बच्चों ने निकाल भी दिए क्या, कितने आ रहे हैं रेट, 1.10, 1.10। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जैन 25 के, 25 कर लिया ना, हाँ जैन 26। अब ये कम जगह भी कम ले रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वहां पे छोटा भी करना पड़ा, यहाँ तो जगह बच गई उल्टा। तो इशू में कितने कर रहे हो सर, 380, ये रहा 380, 1.10 कितने होंगे, 418। अब माइनस कर दो 380, कितने बचेंगे, 900 में से 380 गए तो 520, 1.10 कितने बने, 579। अगेन आपसे इसमें पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए, तो 579। यूनिट में बदलाव नहीं होगा, यूनिट देखो आप तीनों का चेक करते हैं, पहले वाले यूनिट में कितना आ रहा था, 575 आ रहा था रुपए, दूसरे वाले में जी आया हमारा 532, और तीसरे वाले में, तो तीनों में रेट क्या हो जाता है क्लोजिंग का, अलग हो जाता है, तीनों में आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग हो जाएगा, तीनों के अंदर आपका प्रॉफिट वगैरह कुछ निकालने को बोला जाए तो वो सब अलग हो जाएगा। अब ये बताना, ये हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पीरियोडिक या परपेचुअल, परपेचुअल सिस्टम, ये वाला जो कर रहे हैं ना ये परपेचुअल सिस्टम है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे काम चल रहा है, देखो ना 21, 22, 23। पीरियोडिक में तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ऐसे एंट्री होता है पीरियोडिक में, तो आपका जितने भी हैं ये भी आपका परपेचुअल है, ये भी आपका परपेचुअल, पीरियोडिक भी अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, उतना चलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है, बाकी फ्रीक्वेंटली है। पीरियोडिक में तो एक दिन बांध देगा, 1, 7, 14 ऐसे, तो वो पीरियोडिक हो गया, मतलब फिक्स इंटरवल रहेगा, यहाँ पे इंटरवल ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कई बार मान लेते हैं कोई छुट्टी उट्टी हो गई होगी तो इसलिए ऐसे कर दिया इसने, अदरवाइज आपका ये परपेचुअल ही रहेगा। चलिए यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट,